सो हेलो गाइस, डिमांड ऑफ चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों आज करेंगे अनबॉक्सिंग शॉमी के रेडमी नोट 5 प्रो की। तो ये है हमारे पास इंडियाज़ नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड, जिसका नाम शॉर्ट में MI है। और करेंगे इसके अनबॉक्सिंग, देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या कुछ है, क्या हमारे पास वेरियंट है, क्या है नहीं है। तो बॉक्स की बात करें तो साइड में लिखा हुआ है रेडमी नोट 5 प्रो, और साइड इधर साइड की बात करें तो यहाँ पे भी रेडमी नोट 5 प्रो है। यहाँ पे है ये ब्रोकन सील, कहता है कि आप अगर आपको ब्रोकन सील मिलता है तो आप इसे रिसीव ना करें। अगर पीछे की बात करें तो यहाँ पे सबसे गर्व की बात लिखा हुआ है मेड इन इंडिया। ये बहुत अच्छी बात है कि ये यूनिट स्पेशली इंडिया में बना है। ये यूनिट नहीं, ये सारा रेडमी नोट 5 प्रो का यूनिट, ये सारा रेडमी नोट 5 का यूनिट इंडिया में ही असेंबल हुआ है। तो बात करें अगर हमारे पास जो वेरिएंट है वो है ब्लैक कलर का, और यहाँ पे 4 GB और 64 GB है, 4 GB रैम और 64 GB इंटरनल स्टोरेज। बात करें अगर स्क्रीन की तो यहाँ पे हम लोगों को मिल जाता है 5.99 इंचेस का। यहाँ पे आपको मिल जाता है स्नैपड्रैगन का 636 प्रोसेसर, और मिलती है आपको बिग बैटरी जिसकी 4000 mAh इसकी पावर है। मैंने आपको बता दिया ब्लैक कलर का वेरिएंट है, 4 GB 64 GB इंटरनल मेमोरी के साथ। अब करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ है इसके अंदर। अगर बात करें स्पेसिफिकेशन की तो वो है आपके स्क्रीन के सामने, आप देख सकते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन बहुत अच्छी है। अगर मैं फिर भी अगर आपको स्पेसिफिकेशन बता दूँ, बात करें अगर इसके हाईलाइट्स मेन फीचर की तो इसमें आपको मिलता है 4 GB का रैम, 64 GB का इंटरनल स्टोरेज। आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं अप टू 128 GB के साथ। आपको इसमें मिल जाता है 5.99 इंच का फुल HD डिस्प्ले, 12+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिल जाता है, और सबसे अच्छी बात इसमें आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा मिल जाता है। बात करें अगर बैटरी की तो 4000 mAh की लिथियम पॉलीमर आयन बैटरी है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 636 प्रोसेसर के साथ आपको मिल जाता है। तो चलिए करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग और देखते हैं क्या कुछ है बॉक्स के अंदर। तो हमारे पास जैसे ही अनबॉक्सिंग होगा वहाँ पे दिखेगा। यहाँ इसे सिंपली खोलने का तरीका, इसे इस तरह से छोड़ दें और उसके बाद ये डिवाइस रहा बिल्कुल आपके सामने। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ब्लैक कलर का वेरियंट मैंने मंगवाया है, तो सबसे पहले हम इसे रख देते हैं साइड पर। और यहाँ पर आपको मिलते हैं कुछ पेपर वर्क्स, जिसको शायद ही आप कभी पढ़ेंगे, उम्मीद तो नहीं है कि आप पढ़ेंगे इसे। अब बात करते हैं इसके अंदर की, तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक पावर अडैप्टर और एक USB केबल। तो अगर इसकी वोल्टेज की अगर मैं आपसे बात कर दूँ तो यहाँ पे आपको फास्ट चार्जिंग तो नहीं मिलता है, लेकिन फास्ट जैसा चार्जिंग आपको अडैप्टर मिलता है। ये तो कॉमन चीज़ें हैं, इनको रख देते हैं साइड में और इस बॉक्स के अंदर देखते हैं क्या कुछ है। इस बॉक्स के अंदर आपको मिलता है एक एक बैक केस, ये सिलिकॉन बैक केस है, बहुत ही अच्छा है। जब आप इसे अपने फ़ोन में लगाएंगे तो आपका जो फ़ोन जो मैट फिनिश है वो कन्वर्ट हो जाएगा जेट ब्लैक में, मतलब एकदम शाइनी, सुपर शाइनी ब्लैक में। तो चलिए फ़ोन को ले आते हैं सबसे पहले सामने। फ़ोन की अगर बैक की बात करें तो यहाँ पर आपको मिल जाता है दो कैमरा, जिसमें पहला कैमरा आपको मिलता है 12 मेगापिक्सल का और दूसरा मिलता है 5 मेगापिक्सल का। और अगर फ्रंट की बात करें तो आपको फ्रंट में मिल जाता है 20 मेगापिक्सल कैमरा। तो चलिए इसे सबसे पहले ऑन करते हैं, बूट करते हैं फ़ोन को, और कुछ प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे आते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए इसको कर लेते हैं बूट, फर्स्ट टाइम बूट करते हैं, और कुछ में कुछ सेटिंग्स आएंगे जिसको हम लोग क्लियर करके फ़ोन को देखेंगे। तो ये हो गया हमारा फ़ोन एक वाइब्रेशन के साथ बूट। एज़ यूजुअल हमेशा की तरह MI.com वहाँ पे लोगो आ गया, और उसके बाद हम इसे कंप्लीट करके आपके सामने लाते हैं। A few moments later, a few inches later, 2 hours later, 1 eternity later. So guys, हमने अपने फ़ोन को बूट कर लिया, सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिए, हमारे पास सारे एप्लीकेशन इंस्टॉल हो गए हैं, हमने कैमरा का भी टेस्ट कर लिया, सब कुछ कर लिया। इस एक घंटे का हमने ब्रेक लिया था, उसके बाद हमने सारे टेस्ट कर लिए, इसमें व्हाट्सएप फेसबुक सभी कुछ इसमें इंस्टॉल हो चुका है। चलिए करते हैं अब सेटिंग की बात। अगर सेटिंग में आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक अपडेट आया है,
सिस्टम अपडेट और इसको मैंने रिमेनिंग में लगाया है और ये हो चुका है। इसमें है एंड्रॉयड ओ अपडेट फॉर एंड्रॉयड एंड डिवाइस इन जो भी है ऑप्टिमाइजेशन डुअल 4G ऑप्टिमाइजेशन MU 9.5 अपडेट। जो चलिए इसे करते हैं बैक। बात करते हैं अगर कैमरे की तो कैमरा इसका काफ़ी शानदार है, मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया। इसका जो बोके इफेक्ट है वो बहुत ही अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। ये आप देख सकते हैं डिटेलिंग कैमरा की बहुत अच्छी है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है, बहुत अच्छा कैमरा है, मज़ा आया। आप इसका पोर्ट्रेट मोड देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बात करें अगर फ्रंट कैमरे की तो ये है इसका फ्रंट कैमरा, और फ्रंट कैमरे में जूम नहीं है लेकिन फ्रंट कैमरे में आपको मिल जाता है बोके इफेक्ट। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से इफेक्ट आपको मिल जाता है। तो अभी मैंने अपने फ़ोटो एक चिपका दी और आप देख सकते हैं कि इसका जो बोके इफेक्ट है वो बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अच्छा तरह से ये क्लियर करता है। और एक आर्टिफिशियल लाइट में फ़ोटो इसकी बहुत अच्छी आती है, डे लाइट कंडीशन में तो अल्टीमेट फ़ोटो आती है। ये थी पोर्ट्रेट मोड फ्रंट कैमरा से। और अगर रियर कैमरा की बात करें तो रियर कैमरा मैंने आपको बताया 12 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा मिलता है, बहुत अच्छा कैमरा। उसका भी टेस्ट जैसा कि मैंने एक शॉमी के MI मैक्स प्राइम का वीडियो बनाया था, आप लोगों ने बहुत उसे पसंद किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो इसी तरह से मैं इस फ़ोन का भी डे लाइट कंडीशन में एक सेल्फ़ी टेस्ट करूँगा, सेल्फ़ी वीडियो टेस्ट करूँगा, बैक रियर कैमरा इस्तेमाल करूँगा, उसके वीडियो टेस्ट करके मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फ़ोन बहुत अच्छा है, बैकअप इसकी ऑलमोस्ट आपको 1 से 1.5 दिन दे देती है अगर आप कंटिन्यू इसमें गेम इस्तेमाल करते हैं, खेलते हैं। सारा कुछ इसका जो फंडामेंटल्स है, इसका जो फीचर्स है वो सारा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के तौर पर बताऊँगा। सिम स्लॉट इसका हाइब्रिड सिम स्लॉट है, तो चलिए हम लोग इसमें सिम स्लॉट को इंसर्ट करते हैं और पीछे के इस अच्छे से ना दिखने वाले कवर को निकाल देते हैं, स्टिकर को, और हम लोग अपना इसमें पैक केस इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करने के बाद इसका जो ग्लॉसी लुक है वो बहुत ज़्यादा उभर के आ रहा है। तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग सिम लगाते हैं। सिम लगाने के लिए सिम इजेक्टर पिन होना बहुत बेहद ही ज़रूरी है, और यहाँ पे आपको लगेगा 2 नैनो सिम इस तरह से। आप इसके सिम पॉइंट को निकाल सकते हैं, सिम ट्रे को यहाँ पे लगेगा, या तो आप 2 सिम लगा सकते हैं, आप एक मेमोरी कार्ड और एक सिम लगा सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको डुअल सिम फोन को करना है तो आप इसमें 2 सिम कार्ड लगा सकते हैं, लेकिन आप इसमें मेमोरी कार्ड 1 टाइम में डुअल सिम के साथ नहीं लगा सकते। तो हमें इसमें लगाना है 2 सिम। तो पहला है जो जियो, जो बवाल मचा रखा है आने के बाद, और कुछ इस तरह से। तो ये हो गया डुअल सिम। अब इसको करते हैं स्लॉट के अंदर। अगर आपसे स्लॉट में अगर सिम नहीं जा रहा तो प्लीज़ उससे ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें, नहीं तो अगर ट्रे का जो स्लॉट है अगर वो टूट गया तो फिर भैया जितने का बाबू ने उतने का झुनझुना। तो अगर बात करें इसकी फेस अनलॉक की, तो फेस अनलॉक बहुत अच्छा है, सुपर फास्ट, एक्सट्रीम सुपर फास्ट नहीं है लेकिन सुपर फास्ट है। ये 1 सेकंड का टाइम लेता है, उसके बाद ये ओपन होता है कुछ इस तरह से। यहाँ पे आपको मिल जाता है फिंगरप्रिंट स्कैनर जिसके मदद से आप इसे भी खोल सकते हैं। सुपर फास्ट है। अगर हम कंपेयर करें इसे वन प्लस फाइव के फेस अनलॉक से, तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें आप, वन प्लस फाइव का जो फेस अनलॉक है वो सुपर फास्ट है, मतलब शॉमी MI से ये उससे ज़्यादा ये फास्ट है। मतलब आपको फील नहीं होगा कि आपने लॉक लगाया है भी कि नहीं। तो ये थी इसकी सारी फीचर्स के बारे में। इसका कैमरा टेस्ट हम लोग बहुत जल्द करने वाले हैं, बहुत जल्द आपको रिजल्ट देंगे इसके कैमरा टेस्ट की, और इसका परफॉर्मेंस कैसा है ये सारा आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। सो गाइस, अगर आपको अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच, गुड नाइट।